हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं। और मेरे साथ मैनेजर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निपटा रहे हैं। मैं आ चुका हूं 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा है, 14 तक जाना है। 6 कह रहा है किंग्ड डिमांड करो। किंग्ड, किंग्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, झुका हुआ। किंग्ड डिमांड करो, किंग्ड डिमांड करो, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। किंग डिमांड करो, जल्दी से देख लेते हैं पहले इसको समझने से पहले, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको अगर ये याद रहेगा, ये किंग्ड का मतलब होता है झुका हुआ। अभी तक आपने देखा होगा डिमांड करो कुछ इस तरीके से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर डिमांड करो इस तरीके से ना बनके एक पॉइंट आने के बाद मुड़ जाता है, घुटने की तरह मुड़ जाता है, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं किंग्ड डिमांड करो। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मार्केट है, यहाँ पर जो हमारा सॉरी कस्टमर है, वो ओलिगोपॉली मार्केट में रहता है। कौन से मार्केट में रहता है? ओलिगोपॉली। अगर ओलिगोपॉली मार्केट नहीं पता तो डिटेल वीडियो देख लो, नहीं तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने ओलिगोपॉली मार्केट दे रखा है, इसलिए डिटेल में अच्छे से एक बार समझ ही लेना। अब ये ओलिगोपॉली मार्केट क्या है, कस्टमर क्या है और किंग डिमांड करो क्या है, ये सारी की सारी चीजें अपन देख लेते हैं जल्दी से। किंग डिमांड करो क्या कह रहा है? किंग डिमांड करो ये कह रहा है कि डिफरेंट इलास्टिसिटी मिलती है। क्या मिलती है? इलास्टिसिटी मिलती है बायर को या मार्केट के अंदर, इसीलिए इस कर्व को किंग्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। किंग्ड डिमांड कर्व इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेट में तो हो सकता है कि बंदा डिमांड जो है वो हाई इलास्टिक हो, लेकिन लोअर डिमांड में ये लेस इलास्टिक हो जाती है। यानी एक ही मार्केट में हमको डिफरेंट इलास्टिसिटी देखने मिलती है, हाई भी देखने मिल गई, लेस भी देखने मिल गई, यूनिट भी देखने मिल गई। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर जो कस्टमर होता है वो इग्नोर होता है, वो कस्टमर होता है उसको पता नहीं होता कि मार्केट के फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर थोड़ी सी प्राइस रेंज बढ़ती है तो वो एकदम से लेस भी हो सकता है या उस पर कम इम्पैक्ट भी आ सकता है। इसके अलावा यदि थोड़ी सी प्राइस कम हो गई तो उस पर हाई इम्पैक्ट या लेस इम्पैक्ट भी आ सकता है। ये ओलिगोपॉली मार्केट का नेचर होता है, यहाँ पर कस्टमर अनअवेयर होता है। आज मुझे नहीं पता कि मेरे पड़ोसी की दुकान पे जो शर्ट का प्राइस है और चार दुकान छोड़ के जो शर्ट का प्राइस है उसमें क्या वेरिएशन है, सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है। तो थोड़े से भाव कम होने पर भी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हाई इलास्टिसिटी हो गया, और या लेस इलास्टिसिटी भी हो सकता है, नहीं भी बढ़ सकती, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होते फंडे। यही ओलिगोपॉली मार्केट की भी खासियत होती है, इसलिए हमेशा इसमें डिमांड कर्व कैसा बनता है? किंग्ड बनता है। एक बार बुकिश देख लेते हैं, बुक में क्या लिखा है। बुक कह रहा है किंग्ड डिमांड कर्व अकर व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, हैज अ डिफरेंट इलास्टिसिटी हायर एंड द लोअर प्राइस। डिमांड कर्व सजेस्ट पीरियड ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस स्टिकनेस बिटवीन द राइवल फर्म्स। अब राइवल फर्म्स हो सकता है, ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर दो फर्म्स हमेशा एक दूसरे से झगड़ती रहती हैं, इसलिए इनको राइवल फर्म्स बोला जाता है और इन्हीं के थ्रू इनका मार्केट चलता है। अब इसका यहां पर थ्योरी के अंदर क्या लिखा है, जल्दी से इसका ग्राफ देखो आप। ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ कहने की कोशिश कर रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, प्राइस आपकी वही है, प्राइस बढ़ वही है, तो बट डिमांड यहां पे इस तरीके से आगे की तरफ झुक गई। यहां पर हाई इलास्टिसिटी थी, यहां पर लेस इलास्टिसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट कौन सा है? ओलिगोपॉली मार्केट है। बस ये बातें आपको याद रखनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा ग्राफ है, छोटी सी इसकी डिटेल है, एक डेढ़ पेज में ये कंप्लीट होगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स में पत्ते भरने से ज़्यादा सही लिखना ज़्यादा जरूरी है, पेज फिल करने से ज़्यादा सही लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉ है, इसमें ग्राफ टेबल्स हैं। अगर आप ये बनाओगे तभी एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ये जो थ्योरी लिखी है, भले अब आप किंगड की कितनी थ्योरी लिख लो, लेकिन अगर ये चार पांच लाइनें आपने याद नहीं करी हैं तो यकीन मानिए अच्छे नंबर नहीं आ सकते। यही ग्राफ बनेगा, यही चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी दूसरा टॉपिक भी कवर अप करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।